लोग जा रहे हैं बस लेने। सो गाइस आई एम इन कटपटी जंक्शन और मैं घर पहुंच चुकी हूँ। ये देखो मेरा भाई भी। Hey guys, welcome and welcome back to another new video. So, अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं अपने एक मेकअप लुक करके ख़त्म की हूँ और अभी हम करने वाले हैं पैकिंग क्योंकि मैं जा रही हूँ घर फ्राइडे को। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा हवा चल रही है बिकॉज़ बारिश हुई थी तो अभी लग गए हैं समेटने और पूरा उधर फैला हुआ है बिकॉज वहाँ पे हम लोगों का काम चल रहा था। एंड मैं पैकिंग करने का टाइम सोच रही हूँ कि क्या क्या आइटम लेके जाऊँगी। मैं साड़ी वगैरह सब लेके जाने वाली हूँ, मेकअप लेके जाने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारा दुर्गा पूजा का सूट भी करना है क्योंकि मैं बहुत कम सूट करके लेके जा रही हूँ। एंड रिंग लाइट मैं देखती हूँ लेके जा पा रही हूँ कि नहीं क्योंकि रिंग लाइट का बहुत काम पड़ेगा मुझे। पूरा फैला हुआ सब कुछ, दिस इज माई सूटकेस, इसी में मैं सब कुछ डालूंगी। तो चलो चलो यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। सो दिस इज द रूम एंड रूम का कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो मुझे इस बार समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा कपड़ा लेके जाऊं कौन सा ना लेके जाऊं बिकॉज बहुत सारा कपड़ा मुझे लेके जाने मन कर रहा है क्योंकि मैं थोड़ा लेट रुकूंगी इस बार और मुझे वीडियो वगैरह भी बनाना है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अच्छा खासा कुछ कपड़ा लेके जाऊं। इसीलिए मेरा बैग पे अट नहीं रहा, देखते हैं क्या करते हैं। पैकिंग वगैरह करने के बाद फाइनली अभी मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ और उसके बाद मैं सोऊंगी। तो नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। हे गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने मेरी मासी के साथ क्योंकि मेरी मासी को भी कुछ क्लोथ लेना है और मुझे भी लेना है। थोड़ा बहुत देखेंगे घर में, किसी के लिए पसंद आ गया तो लेंगे। ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं कि मैं सबके लिए कपड़ा लेके जाऊँगी क्योंकि मेरा बैग पूरा फुल हो चुका है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बस लेने, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट। क्या बोल रहे हैं? तो मैं और मेरी मासी आ गए विशाल मार्केट और कपड़ा वगैरह कहीं और से लिए, यहाँ पे मैं आ गई थी बैग लेने और वहाँ मुझे क्यूट क्यूट टॉयज दिख गया तो मैं देख रही थी। तो बहुत सारा शॉपिंग कर लिए हैं और नीचे जा रहे हैं। बहुत सारा ना मासी, तो मत बोलो छप्पर फाड़ के शॉपिंग की। मैं जल्दी निकलो, मैं फर्स्ट टाइम देखे हैं, फर्स्ट टाइम है भाई।
शॉपिंग करने के बाद घर के सामने वाले ही होटल पे हम लोग खाना खाने वाले हैं और मैं ली हूँ मेरे लिए नॉर्थ इंडियन थाली और उसके साथ एक्स्ट्रा में पनीर ली थी और मेरी मासी ली है वेज नूडल्स और उसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है ये वाला लेके क्योंकि वेज थाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो कोई बात नहीं, हम लोग शेयर कर लिए हैं और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और सामान इतना सारा शॉपिंग करके लेके आए कि क्या बताऊं। और मैं अभी एक एक करके रिव्यू नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, मुझे पैकिंग वगैरह सब करना पड़ेगा। ये देखो शॉपिंग किए हैं हम लोग इतना सारा और मासी और की है उस साइड में रखी विशाल से और हम लोग विशाल से बैग भी लिए हैं जो मैं दिखाई थी। इट इज द नेक्स्ट डे और आज मैं जाने वाली हूँ घर के लिए ट्रेन पकड़ने। सो अभी मैं पूरा खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे दो नाइट गुजारना है और मुझे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिला तो मुझे तमिलनाडु जाना पड़ेगा, उसके बाद वहां से ट्रेन ले लेके घर जाऊंगी मैं। थोड़ा सा लंबा सफर है इसीलिए और मुझे ट्रेन का खाना जमता ही नहीं है क्योंकि एक बार मैं खाई थी उसके बाद तो हालत इतना खराब था कि क्या बताऊं। सो मैं सुबह 5 बजे उठ के खाना बना रही हूँ और सारा खाना लगभग बन चुका है। अब सत्तू का पराठा बनाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, फूड सारा पैकिंग हो चुका है, अब बस ये थैला में डालना बाकी है तो चलो डालते हैं। इसमें है राइस थोड़ा सा, ये मेरा दो दिन चलेगा क्या आपको से? और इसमें है पराठा, सत्तू का पराठा और पूरी परसों के लिए और इसमें है चना का आलू का सब्जी और इसमें है थोड़ा सा भुजिया, एक भुजिया एक कुरकुरे पैकेट, उतना खाने वाला है नहीं लेकिन लेके रखते हैं बाई चांस मन कर गया क्योंकि मन कर गया फिर वहां पे खरीदो हम नहीं चाहते। और एक भुजिया क्योंकि मुझे पैकेट में मिला था और इसमें है सत्तू और चीनी क्योंकि मैं मान लो कि बात खाना खराब हो जाता है एक दिन के बाद तो ये वाला बिस्किट बहुत जरूरी बिकॉज मीठा। उसके बाद ये केचप, ये चना चना नहीं मटर, ये मिक्सचर और ये एक मीठा वाला मिक्सचर, सब घर जाएगा उतना मैं नहीं खा सकती हूँ। और ये मैं लेके जा रही हूँ रॉक फ्लावर, ये घर के लिए ऐसे ही और मुझे अचार भी लेना है, ये मेरी मम्मी का हाथ का अचार है तो उसको भी ले लेते हैं। किसे निकाले, ऐसे निकाले तो खाने वाली हूँ पूरी और पराठा के साथ। इतना खाने का कोई लेके जाता है, मेरा हर बार का है। पैकिंग वगैरह सब हो चुका है, अब मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद मिलते हैं जब निकलते टाइम। बाय। तो गाइज फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं निकलती हूँ, मेरा ऑटो बुक हो चुका है, ऑटो आ रहा है पिकअप मुझे करेगा और छोड़ के जाएगा रेलवे स्टेशन तक और मासी जा रही है मुझे ड्रॉप करने। यहाँ देखो वहाँ पर डाल दो बैग पीछे, सीधे सीधे डाल दो।
अभी बहुत सारा टाइम है हम लोग के पास, तो आराम से बैठेंगे, बकवास करेंगे, एक वीडियो एडिट करना है वो करेंगे, अपलोड करेंगे और फिर जाएंगे। तो 11:52 में ट्रेन है। सो गाइज मैं वेट कर रही हूँ अभी और जाएंगे आराम से। मेन काटपट्टी जंक्शन और मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। एक ट्रेन लेके बेंगलोर से काटपट्टी आई और उसके बाद मैं अभी ट्रेन लेके जाने वाली हूँ टाटा नगर स्टेशन। सो वेट कर रहे हैं, कुछ ही देर में आने वाला है। नेक्स्ट डे और अभी ब्रश को थोड़ा सुधराना खाली है और एक नाइट गुजारना है, फिर मैं अपना घर पहुंचूंगी। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं टाटा नगर स्टेशन और आज का टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट है। मैं घर पहुंच चुकी हूं। ये देखो मेरा भाई फुल के आलू हो गया है और मैं भी भाई जा गया है। देखो मम्मी सिंह गुली क्या बर्मा बेगले पर भी नहीं दी आगे तो बोली थी बर्मा फोन करे करें मिठाई लाके दिया है। मेरी मम्मी दे दी तो इतना सब कुड़ा कुछ Oh my God.